हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू।
कृष्ण जी प्यार से बोलो नमो नारायण, प्यार से बोलो सीताराम राधे श्याम जय हनुमान। तुई डंकार मैं तेरी शरण हाँ, हनु बख्शरो जी माँ सदा भवानी दाई ने पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, सचिन याद, ये जो वेस्टर्न संस्कृति है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, उनकी संस्कृति में ये हैप्पी न्यू ईयर है। आज का दिन जो है ये नया दिन है, नया साल है। तो सनातन मर्यादा है, हिंदू धर्म है, उसके अकॉर्डिंग जो चैत्र का मंथ होता है पहला, वो नव वर्ष में माना जाता है। जैसे इनकम टैक्स का सिस्टम है, जैसे सरकारों का सिस्टम है, कोई आवाज़ नहीं करेगा, चुप कराने वाले ज़्यादा आवाज़ करते हैं, और आवाज़ ना करे, आराम से बैठो, दो मिनट के लिए आपके पास आए हैं। अनायास गुरु महाराज जी ने याद कराया कि उन्होंने आपको हैप्पी न्यू ईयर के दिन बुलाया था, तो जो जिससे नहीं बैठा जा रहा वो बाहर बैठ जाए, बैठे बाहर चले जाए, उनको शिवादार अंदर ना आ जाए। अभी भर गया है सारा, ऊपर भी नीचे चारों तरफ भर गया है, कभी कोई अंदर ना आए, कोई आवाज़ भी ना करे। मंदिर में बैठ के जो आवाज़ करता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कोई आवाज़ ना करे। ऐसे भगवान ने ग्रंथ भी लिखा, सत्संग में बैठो, मोबाइल बंद कर दो, और बोलो ना, आपके समय मिले साल में एक दिन ऐसा मिलता है कभी कभी, क्योंकि मुझे भी नहीं मिलता, तीन तीन चार चार साल बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ। तो अगर आपको पूरा दिन मिले तो भजन गाते रहो, क्योंकि कम से कम हम गलत जगह से तो जाएंगे ना, गलत जगह से बच जाते हैं। लोग मदरा खाते हैं, मांस पीते हैं, मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, उनका ये हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी डे, हैप्पी न्यू ईयर है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में आप जाएंगे, कनाडा में, अमेरिका में, तो लड़के लड़कियां सड़क में पड़े हुए, शराब नशे के धुत में पड़े हुए हैं। तीन तीन चार चार दिनों की छुट्टी होती है, वो सड़कों में पड़े हैं, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये उनका हैप्पी बर्थडे है। भगवान तो है ही नहीं वहाँ, भगवान का कोई नाम नहीं लेता, कहते भगवान तो है ही नहीं। तो जब हम शराब के नशे में, या काम के नशे में, या मदरा के नशे में, या पैसे के नशे में, धन के नशे में, रूप के नशे में खो जाते हैं, तो भगवान ने कहा है ये अपरा प्रकृति है मेरी। अपरा का मतलब है जो नाशवान, निकृष्ट है। हमारा शरीर है ये पांच तत्वों का भरा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान पाक में, बाइबल में, सभी वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि आठ प्रकार की मेरी अपरा सबसे घटिया चीज है। मेरी अपरा मैंने, अपरा मैंने सबसे गंदी, लेटरिन से भी गंदी, नाली से भी गंदी। आठ चीजें क्या है? पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भगवान ने कहा इससे घटिया चीज मैंने नहीं बनाई। जिस पे मकड़ते हैं उसी से हम दुखी हैं, अपरा प्रकृति से। वो जो मेरी परा है, जो आप यहाँ मंदिर में आके बैठ जाते हैं, पाठ करते हैं, ये पाठ परा है। ये पाठ भगवान ने कहा कि करोड़ों में किसी एक को मिलता है। एक तो ये मैं कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सतगुरु देते हैं, सत के ज्ञाता। तो मैं तो साधारण आपका भाई हूँ। तो जब आपका तन बंधन ठीक होगा, तन पहला सुख निरोगी का आया, आपका तन ठीक होगा, तो आयुर्वेद के महान ग्रंथों में देव्यपाश्रय, सुश्रुत ऋषि ने, चरक ऋषि ने, सभी ने कहा है कि जो रोग आपका डॉक्टरों के पास ना जाए, दवाइयों से ना जाए, वो देव्यपाश्रय से जाते हैं, देव्यपाश्रय। तो ये जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, ये तुम्हारे देव्यपाश्रय है, इसे तुम्हारे रोग जाएंगे, समस्या का समाधान होगी। कई रोग पीछे जन्मों से है, तुम्हारे जो करोड़ों लोगों को ठीक हो गया है, वो मैंने ठीक नहीं किया, वो जो सदगुरु ठीक करने वाला है, और देव्यपाश्रय जो आप पाठ करते हो उसे ठीक करने वाला है। इस पाठ को भगवान राम भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे। जब हनुमान जी
संजीवन मुट्ठी लेने गए हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हो रहे थे, तो सभी वेदों ने कहा ये बचेगा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। कहते फिर क्या करें? कहते इसका दिव्य पाश्रय करो। दिव्य पाश्रय के विशेषज्ञ को सुषेण वेद को बुलाया, कहते इसके मेरे पास भी नहीं है, इसका इलाज है आपको उस जगह संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, देवताओं की जहाँ संजीवनी बूटियाँ उगती है वहाँ जानी पड़ेगी, दिव्य पाश्रय। तो वहाँ फिर हनुमान जी गए, फिर कैसे कैसे ले गए आपको पता ही है। फिर वो दिव्य पाश्रय से लक्ष्मण मूर्छित संजीव हुए। तो हम जो आपको देते हैं औषधि, जैसे आप हाथ धो के आते हैं, साबुन है, ये केमिकल है, केमिकल नुकसान करती है। जो जिसमें भी झाग निकलती है वो जहर है, अगर आपकी आंखों में पड़ जाए कितनी दर्द होती है, तकलीफ होती है। आंखों में कभी साबुन मात्रा लगाओ और बहन भाई अपने लिंगों पे गुप्तांगों पे मत लगाओ साबुन को, वो जहर है, निकलेगा नहीं। इसलिए साबुन भी आप जो बॉडी पे लगाते हो वो हफ्ते में एक दिन किया करो, दूध से डालिया, लस्सी से डालिया, पहले जैसे लोग डालते थे, त्रिफला ले लिया, हरण ले लिया, हरीठा ले लिया, ऐसे। तो जो आप रोज रोज साबुन लगाते हो ये गुप्तांगों पे नहीं लगाना चाहिए, बच्चों पे नहीं लगाना चाहिए, ये जहर हमारे शरीर में स्किन को खराब करेगा और बालों को खराब करेगा, चेहरे पे बाल उगने लग जाएंगे, फुंसियाँ उगने लग जाएगी। या आपको ये वंडर वी वॉश दी है, अकेला दुनिया में ऐसा है कि जो आपके सब अंगों को साफ करता है, ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी। जब आप मंदिर में आओ या पूजा अपने घर में करो तो ये जरूर उससे अपने गुप्तांगों को धोया करो। मुसलमानों में तो अगर थोड़ा पेशाब करते हैं, अगर एक बूंद भी रुक जाए आपके कपड़े में, आपके कपड़े में एक बूंद भी रह जाए, कपड़े पे लग जाए, तो उससे महापाप लगता है उसमें, क्योंकि यूरिन में कीटाणु होते हैं बड़े खतरनाक। तो कोई लड़के खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो उनके टांगों में पेशाब चलता रहता है, वो बीमारी का रूप बनता है। तो ये जो देवे पाश्रय आपको दी है, जो वी वाश है या मिरेकल वाश है या वंडर वाश है, बाजार से मत लेना, आपको उसमें केमिकल है, झाग है, इसमें कोई झाग नहीं। एक बार आपने डाला है फिर जल से धो देना, बस एक मिनट में ठीक हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हराना, ये सब ने भाई बहनों ने, एक दिन की बच्ची पैदा हुई हो तो डॉक्टर कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, उसको भी इससे स्नान कराओ। एक जो बच्ची पैदा होती है उसको साबुन मत लगाओ, जल से मत दो, पहले ये वंडर वी वाश है एक चम्मच उसमें डालो, फिर एक दो चम्मच जल डालो, वरना उसको बीमारी लग जाएगी बचपन से, क्योंकि उसकी जो योनि का पार्ट है और गुदाएं साथ होती है, इसलिए लैटिन उसके अंदर चली जाती है, तो उसको बीमारी है। सब बहनों को बीमारी है, सब बहनों को हेडेक है, माइग्रेन है, दर्द है, तकलीफ है। ये पार्वती माँ भगवान शिव से पूछ रही है, सीता माता राम से पूछ रही है। तो ये गुप्त रहस्य जो किसी को पता नहीं, डॉक्टरों को पता नहीं। देव्य पाश्रय का मतलब है जो भगवान शिव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवी देवता ने, जिसको देवी देवताओं के सबसे बड़े थे अश्विनी कुमार, उन्होंने ये दी है। उनको किसने दी? उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने। ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने दी? दुर्गा माँ ने। तो ये आपने डेली लगाया करो, सुबह शाम नहीं तो एक बार लगा लो। बाजार जिसमें झाग निकलते वो नहीं लगानी। शरीर को नहाते हो वो नाना महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपकी जड़ों में बालों में फंगल है वो तेल लगाओगे तो जम जाएंगे, साबुन से भी जम जाएंगे। कभी आपके हाथों पे बैल लगता है ना, बैल, उस पर साबुन लगा दो, बैल नहीं उतरेगा। इसलिए आपको ज्ञान नहीं है इसका, बुजुर्गों को पता है, जो आपके माता पिता होंगे बुजुर्गों को पता है। तो सिर में हफ्ते में एक बार वो लगाया करो, जो डी की ओर आया जाओ इसको निकालने वाला सारा, और ये जाना वाला ये आपने सुबह एक बार करो या दो बार करो, या जब भी पेशाब करने जाओ जो भी तो जरूर करे, वरना आपके इन्फेक्शन बन जाएगा, वो एलर्जी बन जाएगी, रोग बन जाएगा। ये सिर्फ अभी ये आता है, सब ले जाते हैं, तो ये आपने ले लेना, ये नीचे बेसमेंट भी होगा या जहाँ भी होगा वहाँ से ले लिया करो, ये छोड़ा मत करो। वारसी भी कहते हैं ये सबसे पावन है, इससे पवित्र कोई चीज़ नहीं है दुनिया की। तो इसलिए देवी देवता भगवान शिव माँ पार्वती इसका डेली उपयोग करते थे। इसलिए जब आप शिवलिंग का करो तो शिवलिंग में भी एक चम्मच डाला करो। दूध तो पवित्र नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, केवल ये जो वंडर विवास है ये महापावन है, महापवित्र है, क्योंकि ये भगवान शिव ने बनाया है, माँ दुर्गा ने बनाया है। और ऐसे आपने हाथ भी धोगे तो थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा छिड़क भी लिया, महापावन है ये दिव्य। इसका नाम है दिव्य पाश्रय, जो बड़े बड़े देवी देवताओं के पाठ के द्वारा ये बनता है। और ये जो बीज मंत्र देते हैं, तीन संध्या पाठ करो,
अभी नए नए एयरवे जाओगे जो बड़े बड़े वीर लोग आए वाक्य क्लब में बैठे हैं वो बीमारी बारी ले लेंगे। अमेरिका कनाडा चले गए तो वो तो छुट्टी होती है 3 दिन, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं परमात्मा मिल गया, लड़की को लड़का मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, ड्रग मिल गया, नशा मिल गया, बीमारी में पड़े हैं तो समझो परमात्मा मिल गया उनको। ऐसी दुर्गति है पढ़े लिखे लोगों की, इसीलिए भूल करके बच्चों को बार बार भेजो, फिर तनख्वाही मिलेगी ना ज़्यादा, 4-5 लाख मिल जाएंगे वहीं लग जाएंगे, 1 लाख का किराया का मकान, बाकी कुर्सी चलते चलते खत्म हो जाएंगे। या अगर 50,000 मिलते हैं तो वहाँ बच जाओ, या अगर 20,000 भी मिलते हैं तो भी ऐसा आपका तन तो ठीक रहेगा ना, वहाँ तन भी ठीक, मन भी नहीं ठीक, धन भी बेकार। और स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ड्रग लेनी पड़ती है, ड्रग कंपल्सरी है, ऐसा वातावरण खराब है। तो इसलिए जो हमारे सनातन हिंदू सनातन की परंपरा है उससे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भगवान राम से बड़ा कुछ नहीं है, कृष्ण से बड़ा कुछ नहीं है, नकार से बड़ा कुछ नहीं है। ये आपको सुख देगा, आपको पहला सुख देगा शांति, विदेशों में शांति है ही नहीं, अमीर आदमी के पास शांति नहीं है, धन होता है, कार्य है, कोठी है, सब कुछ है, शांति नहीं है, वो ऐसे नहीं बैठ सकते तुम जो बैठे हो सुबह से शाम तक। वहाँ तो 10 बजे का टाइम दिया है तो 10:30 हर हाल में आना पड़ेगा, तो या तो पति ना माए ना आए, तो भगवान के चरण में बैठे हो, भगवान को आपके पास बैठने का मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो भगवान के स्वागत में ताड़ी बारा करो। जो आपको पाठ दिए ऐसे बैठ जाओ, ये साक्षात ये संसार में पहली प्रतिमा है जिसको राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में इसको किया, शंकराचार्य स्वयं आके उद्घाटन किया बड़े बड़े शंकराचार्यों ने, ऐसे नहीं है ये। इसलिए जो आपकी मनोकामना बैठ जो ऐसे सिद्ध है, सिद्ध प्रतिमा है ये सारी, ये निष्काम भाव से आप आओ विकास करो, ये नहीं लड़के लड़की के चक्कर पड़ जाओ फिर आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे आपके सब भाई बहन है इस तरह का यानी देख खेल खाल नहीं खेला करो तो फिर आपका जो पुण्य है वो पाप में बदल जाएगा। चुप करके बैठो और जो पाठ दे वो पाठ करते रहो, यहाँ पर पाठ करने का करोड़ गुना फल है, ये पुस्तक में लिखा है। या बातें भी मत करो, कोई लीडर बन जाए कोई कुछ बन जाए, तो लीडर बनेगा उसके घर में बीमारी आ जाएगी, जो सेवादार बनेगा चाहे लीडर बने उसको कुछ नहीं होगा। इसे भी लेना, तुम्हें कोई सेवा देते तो आकड़ने लग जाती हो, मैं यहाँ की लीडर, मैं की यहाँ की वो, तो तुम्हारे घर में बीमारी आ जाएगी। अगर सेवा विनम्र हो गए तो तुम्हारे घर में बीमारी उड़ जाएगी। अगर किसी लीडर के घर में बीमारी हो जाए तो समझ लेना या वो लीडर बन गई है, बुढ़ी बन गई है, या दास बन के रहो, साधारण बन के रहो, आपके रोग कट जाएंगे। एवरेस्ट में बड़ा सुंदर पानी होता है, एवरेस्ट में पानी नहीं मिलता, पानी नीचे जमीन पे मिलेगा, जो नीचा होकर रहता है उसकी बीमारी कट जाएगी। जूठा मेकअप बना दिया तुमने ऐसी पाउडर पाउडर लगा के, वो सारी बीमारी का खराब, उसको नेट पे डाल के देखो ना, नेट पे कितनी बीमारी है उसके अंदर केमिकल में, वो देख लिया करो। तो अपने शरीर को बचाओ, और आपको जो सारी चीज़ें या प्रकृति का नेचुरल है, पाठ भी नेचुरल है, हर चीज़ नेचुरल है, ये तुम्हें सीखना चाहिए सबसे पहले। अगर ये आप नहीं सीख रहे, भारतीय संस्कृति नहीं बीच रहे, भजन भी ऐसे गाओ, भजन नहीं की वहाँ के गाने लग गए बेकार में, बैठ गए तो बैठ गए, अंदर आके बैठ गए, चुप करके बैठ गए, बोलना जरूरी है। अब अपने माता पिता के पास जाके बैठते हैं, कोई जरूरी बोल रहा है, बुजुर्ग माता पिता है, कोई बोलने की जरूरत है क्या, बैठ गए बजाय, माँ बच्चे के पास बैठी, छोटा बच्चा है उसका बजाय, ये तो परम पिता है, शिव राम कृष्ण उसकी भक्ति में नारायण है जिसने दुनिया को पैदा किया, दुर्गा माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, राम कृष्ण भगवान को पैदा किया, शिव को पैदा किया, लक्ष्मी नारायण को पैदा किया, उसका है ये पाठ, उससे बड़ा कोई नहीं। कितने बीमारी ठीक होगी, कितने लोग ठीक हो गए, ये जो वंडर विवास है, हर स्त्री को है ये बीमारी, हर बच्चों को है, हर लोगों को है, इसलिए सब परेशान है, टेंशन है, चिंता में है, पता नहीं कहाँ जाए किधर जाए। ये केवल हमें दुर्गा माँ की भगवान शिव की कृपा से मिलते हैं, निष्काम भाव से इसको करना है, निष्काम भाव से पाठ करना है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा से पाठ कर लो, और आधा घंटे ही आपको नहीं मिलता बड़े लाड साहब बन गए आप, परमात्मा ने दिया है, जिसने हमें तन मन धन दिया है उस परमात्मा का पाठ है, उसने कहा ये 3 संध्या पाठ करो, जो नहीं करता उसके घर में लड़ाई लड़ाई चलती रहेगी, रोग रहेंगे,
चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख ईसाई, जब कुछ भी है वो वहाँ झगड़ा रहेगा, बच्चे लड़ेंगे, माँ बाप लड़ेंगे। इससे आपको शांति मिलेगी, धन आने लगेगा था, नहीं तो चोरी करोगे, ठगी मारोगे। या आपको ठगी चोरी नहीं मारनी पड़ेगी, मैं यही क्लियरली करता था, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता था, होते नहीं थे पैसे, जो आता था दे देता था और दे के याद भी नहीं रखता था। तो ये बड़े यहाँ सारे संत रहते हैं, सारे साधारण आदमी नहीं है, यहाँ पर एकदम ईमानदार लोग हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति है वो संत है, साधु है। ये वट वृक्ष 27 साल मैंने इसकी तपस्या करी, ये अपने आप लगा कैसे कैसे और गुरु मांगे। तो ज्यादा चीज आंखों से नहीं दिखती, दिमाग से नहीं दिखती, जब आप करोगे आपको पता लगेगा। जैसे ऐसे समय मिले, आप 10 बजे आ गए तो पाठ करो या बैठ के, और आपको क्या चाहिए। यहाँ पर आपको बैठने का टाइम मिल जाए और पाठ करने का टाइम मिलता, और क्या चाहिए। हर पाठ करोड़ गुना शक्तिशाली है, भगवान इसमें लिखा है। तुम कोई भी नाम जपोगे, ये दिया ना आपको, इसमें लिखा है कि आप कोई भी पाठ जपो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, वाहेगुरु जप लो, तीर्णकार जप लो, जो मर्जी जप लो, 100 बार जपोगे तो 100 फल मिलेगा। ये जपोगे, स्तोत्र जपोगे तो आपको 10,000 गुना मिलेगा, शिव जी भगवान कह रहे हैं। और ध्यान करोगे तो 1,00,000 गुना, मंत्र जपोगे तो 1,00,00,000 गुना। ये जो पाठ दिया है ये 1,00,00,000 लाभ देता है उतनी देर में, 5 मिनट में। इसलिए आपको वो पाठ दिया, आपके जल्दी लाभ हो, इसलिए आपके जल्दी लाभ होते हैं। और यूपी चले जो सब राम राम जपते हैं, सब चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, 50% लोग राम राम भी जपते हैं। चले जो मुसलमानों में, चले जो ईसाइयों में, सारा गंध और परमात्मा का गोड़ गोड़ भी जपते रहते हैं। और दुर्गा माँ का पाठ करने वाला, अकाल पुरुष का, नकार का सिमरन करने वाला बेईमानी करेगा तो काय का फिर है वो। तो उसको समर्पण करो जिसका है, उसके नाम हजारों है, उसका नाम नकार भी है, वाहेगुरु भी है, काल पुरुष भी है, परमात्मा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, दुर्गा भी है। ये मेरे पाठ नहीं है, मैं आपको ठीक करने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम मत लेना, ना मैं गुरु, मैं आपका भाई हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। जो चिकित्सा मैं पहले करता था वो अभी आप सबको दे रहा हूँ, पहले मंत्रों से। ये इसके बिना भगवान शिव कहते हैं कोई दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। सब डॉक्टर एक बीमारी होगी 10 बीमारी आपको हो जाएगी। ये जैसे करोगे आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इन दुर्गा माँ को समर्पण करके करो, साफ तो लिखा है। ये दुर्गा सप्तशती है गीता प्रदेश गोरखपुर की, इसमें किलक पढ़ो, घर में जाके पढ़ना। आपके पास है ना ये पाठ, है ना। दुर्गा माँ ने कहा है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करता है, सब कुछ, सब कुछ का मतलब क्या होता है, हा? और हा? सब कुछ मतलब क्या है? तुम्हारी माँ, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी प्रेमी, हमारी प्रेमिका, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी कार, पुल, जो भी सब कुछ है वो परमात्मा ने हमें दिया है। हमारी एजुकेशन, हमारा विद्या, जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वो जो सब कुछ वो है वो समर्पित करो। कार मिले दुर्गा माँ आपकी कृपा से, कार प्रभु आपकी कृपा से मिले। पहले उसका नाम दुर्गा था उस समय, अब बदल दिया जाता है। इसको पहले समर्पण करना है, फिर समर्पण का मंत्र है। ये मंत्र नहीं बोलोगे तो कोई पाठ आपको काम नहीं करेगा जो आपको दिया हुआ है। उत्कीर्ण मंत्र है ना, आपको पास है ना, तो जिसको पाठ से लाभ वो हाथ खड़ा करे। सुबह हुआ करोड़ों लोग ठीक हो गए, मेरा नाम मत लेना, मैंने नहीं ठीक किया, जिस गुरु ने मुझे पाठ दिया है। गुरु अभी तो ब्रह्म का आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, गर्म ब्रह्म ज्ञान मैं नहीं दे सकता, अरे गुरु देते हैं। जब तुम इसमें प्रवीण होगे, करने लग जाओगे, फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर वो देंगे, ठीक है। जो ये करेगा उसी पे देवी राम कृष्ण प्रसन्न होंगे, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इस प्रकार शर्त के अनुसार भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने इस स्तोत्र को बंद कर दिया, लॉक कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से पाठ करेगा उसी पे उसी को फल मिलेगा, उसी के दुख जाएंगे, रोग चले जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, उसी अथाह धन मिलेगा, यश मिलेगा,
कीर्ति मिलेगी। भाई मैंने तो पूछ में कितना गरीब था, पैसे नहीं होते थे। तो इस पाठ से, स्मरण से प्रभु के, और निष्काम भाव से सोचते रहते कोई देगा देगा नहीं देगा, किसी ने दे दिया किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे तुम्हें परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए कि देगा। तो लड़ पड़ते हो पैसों के लिए, भर पड़ते हो, मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया। तुम्हारी सारी जिंदगी इसी में रहती है, टीवी में, फिल्मों में, वहाँ लड़ाई किसकी है? पैसे की। ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है। पति पत्नी की भी लड़ाई है, लड़ाई किस पे है? पैसे पे। सारी दुनिया में लड़ाई धन पे है, और धन हमारा है नहीं, धन भी हमारा नहीं है, क्योंकि भगवान की बात नहीं मानते। समझ में आ रही है? यदि आ रही, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पाजी फेल हूँ। समझ में आ रही है ना? जिसको नहीं आ रही हाथ खड़ा करे, आ रही है सबको हाथ खड़ा करे। चलो ठीक, अब मैं आगे बोल लो। जो ये पाठ नहीं करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। सारा लिखे दुनिया में जितने सर्वनाश को, अभी आगे कोरोना बड़ा खतरनाक आएगा। तुमने जिसको पाठ किया उसको कोरोना नहीं लगेगा, साफ लिखा है ये। जो नहीं करेगा वो मरेगी। और ये पाठ ऐसे नहीं तुम कर लोगे, ये पाठ भाग ले दुर्गाबा से, मुझे पाठ दो, मुझे पाठ दो। जैसे धन मांगते हैं, मकान मांगते हैं ना, ऐसे मुझे पाठ दो। ऐसे नहीं घर कोई कर ले इसको, जब आप मांगोगे फिर आपको पाठ वो दे देंगे। अगर आपसे दो सन तीन संध्या नहीं हो रही तो इसका मतलब दुर्गा मान राज आपसे, वो आपको बड़ा धन देना चाहती है, बड़ा। लेकिन तीन संध्या करोगे आप धन संभाल नहीं पाओगे, यश कीर्ति रूप सुंदरता संभाल नहीं पाओगे। कि जो पाठ करते हाथ खड़ा करे, ठीक हो गया। जो तो तीन संध्या कोई नहीं करता, मुझे लगता कोई करता हो। तीन संध्या जो करता है हाथ खड़ा करे, तीन संध्या ऐसे हाथ खड़े कर दी दो चार जनों ने। रोज भी तुम करते हो ये भी पता नहीं। जो रोज करते हो हाथ खड़ा करे, रोज करते एक बार। बड़ा धन्यवाद आपको भगवान, आपका बड़ा अच्छा काम करे हो, भगवान पे शाम करें हम एक बार पाठ करके। भगवान तो आपकी याद में तड़फ रहा होगा, कब आएंगे? भगवान को कोई जरूरत नहीं हमारी, हमें भगवान की जरूरत है। ये मजाक नहीं है, ये भगवान से मांगो, भगवान मुझे पाठ दो तीन संध्या, और आपको दे देगा। बार बार मांगो, नहीं मांगोगे तो देगा ही नहीं, और नहीं दे रहा तो आपने गलत काम किए, आकड़ किए, ठगी बाजी, झूठ बोले, तो आपको देंगे नहीं दुर्गा माँ। फिर करते रहो, एक बार करो फिर दो बार मिलेगा, ऐसे ऐसे करते रहो। अगर आप तीन संध्या पाठ करने लगे सही नियम के अनुसार, तीनों संध्या जो ये पाठ करता है उसे संसार की सब चीजें मिलती है, उसे मांगना नहीं पड़ता। क्या किसका टाइम का? हाँ हाँ, जैसे क्लास पढ़ती हो एक साल में तुम्हें डिग्री मिल जाती है, तो इसका ये नहीं है कि एक पाठ कर लिया तो एक एक एक, एक समय में राम मिल जाएगा, दूसरे में कृष्ण मिल जाएगा। ये बिजनेस से नहीं है, पता नहीं आए ना आए, पता नहीं कई जन्म लगा दे। शिवजी भगवान को चार लाख जन्मों के बाद मिला था ये, करता है तक्षण, वो भी करता है तक्षण वाला भी है, फिर उसी समय करेगा। ठीक है, ये जो मैं पाठ जिसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग पाठ है, धन का अलग है, तन का अलग है, मन का अलग है, सारे अलग अलग पाठ है। तक्षण कोई समस्या है तो ये कर लो, लिखे ना इसमें। सिर्फ पाठ दो पेज है, भगवान ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी समस्या नहीं हल हो रही। इसलिए जो ऐसी बातें कर रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मेरी माता हो, बहन हो, भाई हो, तो मैं पंडित नहीं हूँ, ज्योतिष आचार्य नहीं हूँ मैं। भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र विश्वामित्र को कह रहे हैं, राम के गुरु को कह रहे हैं, कहते हैं हे ब्रह्मा, हे विश्वामित्र, सुनो, तुम इस पाठ से जानने सभी मात्र से क्षण भर में तुम्हारी सब समस्या का, त्रोक की समस्या का समाधान हो जाएगा, क्षण भर ऐसे। और इसे मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं ये पाठ सबसे पावन है,
पुण्य का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, सब रोगों का निवारण करने वाला है। जो विद्वान तीनों संध्या में इसका पाठ करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है उस बहन भाई की बेटी की, वह सभी शास्त्रों का समझ जाता है जिस कारण वीर वीरताओं में उत्तम हो जाता है। वीर वीरताओं में अभी वह सारे संतों का पता है क्या हो, अध्यक्ष हूँ वर्ल्ड के, ठीक है, पढ़ा कितना हूँ, पांचवी फेल, दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर हूँ, किससे हूँ, इस पार्ट से, गुरु की कृपा से। तो ये इसलिए भगवान ने कहा है जो ये तीनों संध्या पाठ करता है वह ब्रह्मा के समान हो जाता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, समझ गए। ये पाठ भागना और करना, आज नए साल में तुमने तीन संध्या पाठ करनी है कि भगवान हमें, दुर्गा माँ हमें नए साल में तीन संध्या पाठ दो, लड़का लड़की शादी फादी भग मत भागो, तीन संध्या पाठ भागो, उससे सब दुनिया आपको मिलेगी, सारा संसार मिलेगा, नहीं मिलता तो फिर भागते रहो भागते रहो, और खुद भी करो, हम खुद भी करेंगे, पाठ भी हमें दो, ठीक है। तुम रोटी मांगते हो तो खाते भी तो ना बेटे, हम खाते भी तो है ना, चलते भी है, ऐसे इससे बड़ा कुछ नहीं। अगर तुम्हें ये तीन संध्या मिल गया तो फिर तुम आप ही तुम्हें तुम्हारा पता लग जाएगा, तुम्हारा क्या से क्या बन गया, ठीक है, करना ऑफिस में हो या पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, तीन संध्या पाठ करना है, राजा थोड़ी बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं तीन संध्या, राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे थोड़ी बन गए वो, तपो राज तब से राज बनता है। वहाँ क्या करना चाहते हो, क्यों नहीं कर सकते, मुसलमानों की लोड़ी नहीं बना रखी नमाज पढ़ने वाली, तो बोलो हमने पाठ करना है भाई, बैठ जो कर लो, कमरा तो कुछ होगा नहीं तो अपनी कुर्सी पे बैठ के कर लो, सर लगा लो बस, जो नौकरी निकाल देगा तो निकल जाना और नई नौकरी मिल जाएगी, और निकाले तो और निकल जाना, फिर आपको आपको खुद को बालिक बना देंगे, नौकर आपकी दुनिया बन जाएगी। ठीक है, तो कर लो मन में कर लो, क्या हो कहीं कर लो, किसके लिए पाठ कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में उसके लिए, तुम डॉक्टर हो, कौन सी डॉक्टर हो, तो लाइक की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहती हो, हस्ता में रोटी खाते हो ना, नहीं रोटी खाते हो, खाने देती है, लेटरिन जाती हो, पेशाब जाते हो, तो पाठ ही करने देंगे, बेकार की चीजें करने देंगे, तुम आप ही नहीं करते हो, मुझे बेचती रहो, कोई तुम्हें देख रहा है इतनी बड़ी डॉक्टर हो, करते नहीं है, ये प्रभु की कृपा से करते हैं, करते हैं डॉक्टर, बैठ जाओ वही बैठ जाओ, टिक जाओ टिक जाओ, अगर पाठ करते हो तो आप नहीं करते, ये आपको परमात्मा करवाता है, परमात्मा की कृपा से मैं कर रही हूँ, सुख हो शांति हो धन है तो अकड़ा मत करो, अभी परमात्मा ये आपने सुख दिया है, आपकी कृपा से मुझे मिला है, ठीक है डॉक्टर, मेरा कोई हुक्म नहीं है, ग्रंथ में लिखा है, कोई भी बात मेरी नहीं है, शिव जी भगवान ने कहा है, दुर्गा भगवान ने कहा है, राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, समझ गए, ठीक हो गए तुम्हारे हाथ में, तो प्रभु ने ठीक किया है, तुमने नहीं ठीक किया, तुमने दवाई दी, कौन से हॉस्पिटल में हो, है तो यहाँ एक हॉस्पिटल खोलो फ्री, उसका राज से ठगी बांटते हैं सारे, हार्ट की इतनी भूतें नहीं बना के दिखा देंगे, ऐसे ही करते हो ना तुम, ऐसे हो रहा है सारा, एक गरीबों के लिए फ्री खोलो, या जैसे हमने खोला अभी कृपया भी नहीं उसमें लेते, ऐसे वो दो उनको, ठीक है,
और ये जो वी वंडर वंडर वॉश है, वी वंडर वॉश है ना, देखो एक मिनट में ठीक करता है, किया कभी? तो लिया कितना फायदा करता है एक मिनट में, कोई दुनिया में ऐसी गाय नहीं है। तो ये रोज करना है, छोटे छोटे कीटाणु का नाश कर देता है। हर स्त्री के लिए ऐसी जरूरी है जैसे खाना, जैसे हवा शिवजी उगाने का है, ठीक है। और क्या क्या पूछ रहे हैं किसी ने? वही तो सदा सदा हमारे पास है। कृष्ण भगवान मर गए, राम जी मर गए, सदगुरु नानक मर गए, ये जाते थोड़ी है। शरीर तो हमारा नाश होना है ना सबका। एक ग्रास पानी है, पानी समुद्र में मिल गई, एक गंदी नाली में पड़ी है, तो गंदी नाली में पड़ी ज्यादा अच्छा है या समुद्र में मिलना ज्यादा अच्छा है? पानी ग्लास जो नाला है उसमें रहना अच्छा है या गंगा में जाना ज्यादा अच्छा है? ये नरक है दुनिया भगवान कह रहे हैं, शिव जी भगवान ब्रह्मा विश्वेश बुद्ध कह रहे हैं ये नरक है, तुम नरक में पड़े हो, इससे निकलो। वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में मिल गए, ठीक है ना। गंदे नाले को द्वारे लड़ना, ये शरीर गंदा है हमारा। जब कृष्ण भगवान ने कहा कि आठ प्रकार की घटिया प्रकृति है, अपरा निकृष्ट, तो उसको द्वारे लड़ना चाहते हो, तो भूल गया परमात्मा में। क्या आ जाएंगे ये भगवान करते हैं? ये भगवान है नहीं, ये कौन है? ये सब हमको पैदा करने वाली है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं जो मुझे शरीर का मानेगा, देह की कबूतर मानेगा, वो मूर्ख है, गीता में पढ़ लेना, वो नरक में जाएगा। हाँ बोलो। वो तो आएगी, परिवार में गाली निकालने की कोई बात नहीं आती, लड़ने की कोई नहीं आती, सबसे ज्यादा लड़ती है। जितना तू लड़ती है उससे ज्यादा पाठ कर, लड़ने की बात नहीं आती, बैठ जा टिके और पाठ किया करो, वही किया करो, चलाक ना बनो ज्यादा, पाठ करो। बाकी हर चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पाठ के लिए टाइम नहीं है। कृपा अपने आप पे करो खुद, ठीक है। नहीं बोलो, हे दुर्गा माता बोलो, मैं भी पाठ करूंगी, आप भी हमसे कराओ, बस हमें दे दो, हमारी गलतियों को क्षमा करो, हम चलाक है, झूठे हैं, ठग हैं, चराकी करते हमें टाइम नहीं मिलता, बोलो चराकी करते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम तो बड़ा होता है हमारे पास। बोलो टीवी देखने के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, गाली लड़ने के लिए टाइम है, पर तेरा पाठ का टाइम नहीं मिलता। भगवान हम कितने अच्छे हैं, हमारे पर कृपा करो, समझ गए? जो तू तीन तीन से पाठ करोगे तुम्हारा टीवी देखने में बंद ही नहीं करे, इतना मजा आएगा, वो तुम्हारी चीजें मिलने लगेगी, तुम सोच नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ हाँ कोई अर्ज नहीं, कोई पाप नहीं लगता। भगवान का कोई शिव का कर लो, ब्रह्मा का कर लो, विष्णु का कर लो, धूप जगा लो, तुलसी का लो, रुद्र पंडित सकते हैं, पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना, ज्योतिष में ऐसे उल्टा देते, ये सीधा भगवान का पाठ है। वाह छूटे सागर में ताड़ी मारो, वाह 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 वाह, बड़ा बड़ा पुण्य का काम करती है, तीन साल से पाठ नहीं करी, किडनी तेरा खराब हो रहा है, लीवर तेरा खराब हो रहा है, सूजन तेरे को आ रही है, पेशाब बार बार आता है ना, एडे के डॉक्टर थके दवाई दे रहे के, तो पाठ छोड़ के पाठ कर सर वेरी उड़ जाएगी। कितने की जमीन है तेरी? कितने की है? कितने करोड़ की? तो क्यों धोखे से तेरी लिखा ली? कौन है तेरा, क्या लगता है? जेठा जी। तो नाम किसके है? ओमी नाम है जी। नाम किसके है वो जमीन? वो जेठ ने हमारे ससुर के नाम थी, अपने नाम करा दिए। तो वो सरकार से किसी अच्छे वकील को पूछ लो ना बेटे, उसका ला है, कोई बात नहीं। अगर किसी पिताजी को भी वो पीट पीट का तीन से पाठ करो और साथ में अच्छे वकील को मिल लो, ठीक है।
ठीक है है? जब तू 3 घंटा पाठ करेगी तेरा बन जाएगा। कौन मदद करेगा ये तो बता, मुझे नहीं पता ना ना, मेरा मुखी है नहीं। अभी बैठ गए, डरता रहता है, झगड़ता रहता है, ये काम नहीं करता, पढ़ता नहीं। कौन मौसी तेरी? कौन सी है मौसी तेरी? समझ गया, रख दो तो आगे से पीछे बैठा कर, सुना कर ध्यान से। आगे बैठे वाले बोलेंगे नहीं, जो समझ गए वो आगे बैठे करेंगे, जो नहीं समझते पीछे बैठे करो, जल्दी समझोगे। गुरुदेव जी, मेरा एक लड़का पवन नाम है, वो मैं यहाँ को लाती हूँ, कभी नहीं आता। वो दारू पीता, तम्बाकू कुबेर बहुत ज्यादा खाता, डेली दारू पी रहा है। तू पैर पाठ कर, वो छूट छूट जाएगा, ठीक है? दुर्गा माँ को वहीं से प्रार्थना कर दो पाठ में। अब दोबारा नहीं बोल रहा, सब काम हो जाएंगे पाठ से। हाँ, गुरुदेव के चरणों में, गुरु माता के चरणों में। आज तुम्हें फ्रीडम मिली, हर आदमी को पूछ लेगी, जो नहीं पूछेगा जल्दी ठीक होएगा। बिना पूछे बताओ तो रहे ना दुर्गा माता, पाठ करो बस। गुरुदेव आज बड़ा शुभ अवसर है, मैं 2012 से समागम ज्वाइन किया है, और गुरुदेव मैं 4-5 साल से हर वर्ष नई वर्ष में ही आता हूँ, संबल जिले का रहने वाला हूँ। गुरुदेव बड़ी कृपा है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकते समागमों में, एक एक विनुता होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुना करो। एक बार गुरुमाता वृंदावन गई थी, तब गुरुमाता के सामने ऐसे बैठे। हाँ हाँ, ये अभी माता पिता की तरह बैठे हैं, ठीक है? बड़ा साहब सौभाग्य है कि आप, छोटी सी 3 बातें, 3 संध्या पाठ करना है, सब कुछ तन मन धन दुर्गा माँ का, परमात्मा का, नंकार का समझना है, ठीक है? अब नहीं, अब पीछे जाओ, इसको पीछे ले जाओ, उठाओ इसको पीछे चलो जाओ, नहीं बोलना अभी। बोला कुछ याद कुछ नहीं बोला, जो बोल दिया आपको, आपको दुर्गा माता के लिए सब कुछ मिल जाएगा, 3 संध्या पाठ करो। दुर्गा माँ परमात्मा कह रही है, क्या मिलेगा? तन की वैल्यू उड़ जाएगी, खूब धन मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा, घर मिल जाएगी, कोठियाँ कारें मिल जाएंगी, जो भी संसार का सब मिल जाएगा, 3 संध्या पाठ करो। फिर बार बार क्यों पूछते हो, बाकी कुछ बचे इसमें? क्या चरणों में रखना चाहती है? बेटे की सैलरी रख दो, दान पत्र में डाल दो, ले लो उनसे। तू सुनाती क्यों है? तू सुना क्यों रही है? मैं तनख्वाह दे रही हूँ 1 महीने की, चुप करके डाल देना था, चुप करके करने से ज़्यादा मिलता है, सुनाने से आधा पल आधा मिलता है, क्योंकि तू तेरी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, क्योंकि तू इतने लाख दिया, उससे नाम नाम होने से फल खत्म हो जाता है। भगवान अपना नाम करता है, हमें हवा देते हैं, चंद्रमा सूर्य नाम करते हैं क्या? तो तुम चुप करके सेवा करो। जो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो परिवार को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे वो कर लो, नहीं तो अपने मन की कर लो। जो जो तुम्हें अच्छा लगे वो, कभी बेकार की बात क्यों पूछते हो? जब भगवान कहते मैं सब ठीक ठीक तुम्हें दे दूंगा। है? क्या मैंने पवन एनवायरनमेंट जॉब के लिए काफी ट्राई कर रही हूं और अभी भी कर रही हूं, बट हमेशा कुछ 0. समथिंग से रह जाता है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तू नौकरी बनना चाहती है, मालिक बनना चाहती है? नहीं, तुझे मालिक बनना या नौकर बनना है? नौकरी चाहिए, मिल जाएगी, जा बैठ जाओ। कई बार भगवान हमें नहीं देता, तू मालिक बनाना चाहता है। मेरे जितने क्लिनिक थे बंद हो जाते थे, खोलता था बंद हो जाते थे, काम बंद हो जाते थे, तो भगवान कहते तू इस काम छोड़ गया, क्लिनिक खोल ले। हाँ, भगवान जी के दर्शन सदगुरु देते हैं, ब्रह्म ज्ञान को देने वाले मैं तेरा भाई हूँ। वो जब तू अच्छे बनोगे फिर उनसे प्रार्थना करेंगे। कौन बोलती है शादी? तू बोलती है कि नहीं?
शादी कराना चाहती है, घर वाले चाहते हैं चरणों में, अरे तू शादी कराना चाहती है, घर वाले कहते हैं, सीधी सी बात क्या करो है? तो मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बेटे, हाँ बेटे, तो शादी के से गलत मिल जाएगा तो तू गलत नहीं है, उसको उसको चढ़ जाना बस, तेरे आगे थोड़ी बोलेगा, लड़के थोड़ी बोलेंगे लड़कियों के आगे, कृपा अपने आप पे कर, पाठ तीन संध्या कर। मेरी बहन है छोटी, वो ना मैंने उनको उसको बोला पाठ करने को, लेकिन वो करती नहीं, कर नहीं पा रही है, कल बात हुई थी तो बोल रही थी स्लीप पैरालिसिस टाइप का। अरे बेटे ये पाठ सबको नहीं कर सकते, जो करते हैं वो राजा है, उनके नाम का तुम कर लो, उनके नाम कर ले। हाँ पंडित से मत कराना, पंडित थकते हैं, किसी पंडित के पास मत जाना, भूत है जो मर्जी कर लो, एक ही बात है सारे। अब सुन लो, कहीं भी जाती हूँ कैसा भी फील होता है कि पाठ नहीं किया, पाठ करती भी हूँ वो भी जाता है, दुख में जाऊँ खुशी में जाऊँ मन ऐसे खींचता कि मैंने कोई बड़ा कुछ काम ऐसा नहीं किया, जब पाठ छूटता है। अरे बेटे पाठ जब तुम करोगे तुम्हें लगेगा मैं रानी बन गई हूँ, मजा आता है, जगत का कोई काम कर लो तुम वो मजा ही नहीं आएगा। कई ऐसे करते रहोगे लड़ते रहोगे, ये पाठ करोगे तो रानी हो तुम। अब ठीक है टाइगर दिए तो याद आएंगे, इसमें क्या चक्कर पड़ना, जो करेंगे ठीक है, जाप दुर्गा माँ रखेगी पाठ से अपने आप दिखा देगी, दुनिया दिखा देगी, जो नहीं होगी तो वापस चली आएगी। करती नहीं है, तीन संध्या नहीं करती, जो करेगा वो उसको दिक्कत आने का मतलब ही नहीं है। अरे मेरी माता सुनो ध्यान से, अब इससे ऊपर दुर्गा माता क्या बोलेगी, सुनो पेज नंबर कितना है, ये पहला ही पहले पेज में ये लिखा है कि तुम पाठ करके जाओ, अगर तुम आग में जल रहे हो, आज में जंगल में आग लगी है, पूरे पेड़ जल रहे हैं और चारों तरफ शत्रु से घिर गए हो, जानवरों से घिर गई हो, जंगल में आग लगी है, अगर ये तुम पाठ कर लो तो उसी समय सब ठीक हो जाएगा, उसी समय आग भी बुझ जाएगी, सब हो जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ तो तू कर ले, करती रहे, देख तो बजाओ उसका। किसका पाठ में क्या खर्च आता है, नहीं नहीं पाठ में क्या खर्च आता है, एक पैसे नहीं लगता, पाठ छोड़ के देखना हफ्ता तू बीमार होगी, हॉस्पिटल पड़ी होगी, फिर पापा पैसे लगाएंगे, अभी तो तेरे पैसे लग रहे, तेरे को 36 बीमारी है बेटे, स्वेली क्या है, लीवर में प्रॉब्लम है, कई बीमारी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, तेरे पापा के पैसे बच रहे हैं क्योंकि तू पाठ कर रही है, बस करते रहो पाठ। अब तुम सारे मेरे पीछे चक्कर में फंसा दिया मुझे, अब बैठो हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो सीता सीताराम जय हनुमान। नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं जो कोई कर नहीं पाया वो कर दिया, तो सबने दिवाली उस दिन वो जलाना है दीपक दिवाली के दिन। हाँ तो ये आप क्वेश्चन है ना अश्विनी जी, ये एयरपोर्ट के मालिक है, ये इनको बता देना, ये हाँ तो इनको दे देंगे, ये संजय जी इनको ले जाना, कुछ देते तो उसका फायदा है। अरे मैं गुरु माँ से वादा करके आया था मैं एक मिनट ही बोलूँगा। नहीं अभी बैठ जाओ, नहीं तो मुझे आगे से दुर्गा गुरु माँ आने नहीं देंगी।
हाँ आने दे आने दो, वही है वो निकलता है सारा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करती रहे। ओके अब बैठ जाओ, अब नहीं बोला किसी ने, अभी मैं पाठ दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे साथ बोलोगे ओम हैं। ये आपने कब तक करना है? 23 जनवरी तक करना है, ये 24 जनवरी तक, ठीक है? उसके बाद मैं बदलूँगा। ये बड़ा अद्भुत पाठ है, ठीक है? एंग श्री एंग रांग, ये एक बार बोल रहे, ठीक है? फिर श्री रिंग एंग, बस ये 9 बार बोल रहे। ये आपने 24-25 जनवरी तक पाठ के साथ, छोटा सा पाठ है, 1-2 मिनट में हो जाएगा, 9 बार बोल रहे। ये नए साल का बड़ा अद्भुत तोहफा है, जो भी करेगा उसकी ये भगवान ने कहा खुद, 9 वर्ष में सब कुछ देने वाला है, ये सब कुछ देने वाला है। ये किसने लिख रहे, किसने लिखा है बेटे? लिख लो, आप बोल दो बेटा। ओम ऐं श्रीं ऐं राम, एक बार बोलना है, बाद में 9 बार बोलना है, श्रीं रीं ऐं। ये महा लक्ष्मी महा काली का मंत्र है ये, ठीक है? तो बता रहे नहीं किसी को, जो खुद ही करो, परिवार में जो पाठ करते उनको चेक दे देना, ठीक है? अब लिख, अब मेरे साथ बोलोगे ओम, अब मैं उठूंगा तो आपने रस्ता छोड़ दे रहे, बड़ा प्रणाम करके रख दो, यहाँ दान पत्र, दान पत्र रख दो, यहाँ संजीव जी रख दो, एक वहाँ रख दो, उधर थाली रख दो, कुछ रख दो, सेवा तन्मन दर्शन किया करो, इसे सुंदर करो, इसको अच्छा बनाओ, कोई बड़ी और अच्छी जगह ले लो, यहाँ भी तो ट्रैफिक रुकता है ना, जहाँ बड़ा लोग फिर हर हफ्ते आ पाएंगे। संजीवन अश्विनी बेटे, एक बड़ी जगह लो आसपास कहीं भी, ठीक है? फिर जहाँ 1-1.5 लाख लोग बैठ जाए, 10,000 बैठ जाए, ऐसे ट्रैफिक रुका, ये भी तो ठीक नहीं ना, यहाँ रहते हैं तो किसी को असुविधा ना हो, ये तो यहाँ सारे अच्छे हैं, यहाँ जितने भी रहते हैं उनके स्वागत में ताड़ी मारो, एक बार रख दो उधर, उस तरफ, उस तरफ जहाँ आपका है ये, यहाँ थोड़ा पीछे कर दो, एक है? एक यहाँ रख दो, इधर वाला इधर कर लेंगे, एक यहाँ रख दो, उधर से मैंने चली जाएंगे ना फिर इकट्ठे। सेवा जितनी करोगे वो मिलता है, जब गुरु आते हैं तो लुटा दिया करो। अब आ जाओ, उठ जाओ, आगे उठ जाओ, उठ जाओ बेटे जल्दी, आगे वाले आएंगे। और नीचे बेसमेंट में बर्तन भी वॉश आपने सबने लेके जाना है, खाली हाथ नहीं प्रणाम करना, जो नीचे बेसमेंट है मंदिर की उसमें लगा है, खाली हाथ प्रणाम नहीं करना, फिर वही रख दो उसी में, आगे बताओ यही डाल दो बेटे, बस ऐसे जाते रहो, आप आगे जाते रहो, भाई इधर से आ जाएंगे, बहनें उधर से आ जाएंगी,